नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। सहारनपुर में बदमाशों ने फिर दिखा पुलिस का खौफ, गले में तख्ती डालकर गैंगस्टर पहुंचा थाने। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश पर लगातार सहारनपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसका असर भी देखने को मिला है। थाना फतेहपुर में थाना अध्यक्ष के द्वारा लगातार कार्रवाई से खौफ खाए बदमाश अभिनव गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा और अपराध से तौबा करते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। एसपी सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि अभिनव लूट के मामले में काफी दिनों से फरार चल रहा था। शुक्रवार को पुलिस के डर से थाने पहुंचकर सरेंडर किया है। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी था और यह गैंगस्टर का अपराधी था। जी, 1 मार्च को थाना फतेहपुर क्षेत्र अंतर्गत एक भारत फाइनेंस कलेक्शन कर्ता के साथ लूट हुई थी, जिसमें 16 मार्च को 2 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। इसमें इस घटना में एक अभियुक्त जिसका नाम अभिनव राणा है, वो उसी समय से फरार था निरंतर, और आज थाना फतेहपुर पर वो स्वयं आकर सरेंडर हुआ है। जिस और अपने तख्ती एक लेके आया था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं खुद से सरेंडर कर रहा हूं। वो पुलिस का 25,000 का इनामी अपराधी भी था। हमने लगातार उसके जो ठिकानों पर दबिश दी थी और काफी दबाव भी बनाया था, जिस वजह से उससे पूछताछ में उसने बताया वो देहरादून और हरिद्वार के कई इलाकों में छुपकर रह रहा था। आज वो पुलिस के जो दबिश लगातार जो दी जा रही थी, उस वजह से आज वो सरेंडर किया है थाना फतेहपुर में। और आज हमारी वो लूट का पूर्णतः खुलासा हुआ। आज उसने 40,000 रुपए जो लूट में उसके साथ उसका जो हिस्से में आए थे, वो भी थाना फतेहपुर पुलिस में एज अ सरेंडर में के वक्त इनकम जमा कराई है रकम। और इससे पहले इसके कितने साथी पकड़े गए थे और ये कब से फरार चल रहा था और कहां कहां इसके ठिकानों की तलाश दी जा रही है? देखिए, ये रहने वाला बुढ़ाना मुजफ्फरनगर का है और इसके कई जो रिलेटिव्स हैं उसके यहाँ भी और बुढ़ाना में भी निरंतर दबिश दी जा रही थी। और इस घटना में ऑलरेडी 2 इनामी अभियुक्त ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो तीसरा शेष अभियुक्त है वो आज। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।